नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी निकल पड़े हैं यूपी के सफर पर। उनको देखने सुनने के लिए पहुंचे हमारे नए चैनल लल्लन टॉप यूपी पर, जहां ना सिर्फ चुनावी माहौल का पता चलेगा बल्कि देखने को मिलेंगे एकदम लल्लन टॉप ब्लॉग्स, लाइव सेशंस और भी बहुत कुछ। तो तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब और पूछिए क्या हाल है यूपी, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। जर्मनी के साइंटिस्ट एक नई थ्योरी लेकर आए हैं, अगर आप बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हैं तो किसी को भी दे सकते हैं। जर्मनी में साइंटिस्ट तो इस थ्योरी को जानवरों पर आजमाने लग गए हैं। ये साइंटिस्ट गायों को पॉटी ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप पूछेंगे कि इतनी मशक्कत काहे हो रही है, तो जान लीजिए कि ये सब मजाक में नहीं बल्कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हो रहा है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं, क्यों दी जा रही है ये ट्रेनिंग गायों को। गायों की पॉटी ट्रेनिंग के पीछे पर्यावरण का एंगल है। असल में वैज्ञानिक लगातार इस बात की तरफ ध्यान दिलाते रहे हैं कि जानवरों के खुले स्थान पर एक्सक्रीट करने से पर्यावरण में अमोनिया का स्तर बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि कृषि दुनिया भर में अमोनिया उत्सर्जित करने का सबसे बड़ा सोर्स है। इसमें भी पशुपालन लगभग आधे का भागीदार है, मतलब जितना भी अमोनिया उत्सर्जन होता है उसमें से आधा खेती के लिए जरूरी जानवरों के एक्सक्रीशन करने से होता है। इंसान कृषि कार्यों के लिए जिन पशुओं को पालता है वो औसतन हर रोज 29 से 40 किलो तक फीकल मैटर एक्सक्रीट और 30 लीटर तक यूरिनेट करते हैं। वो ऐसा जहां भी मन चाहे वहां कर देते हैं। इसकी वजह से आबो हवा गड़बड़ा रही है, ऐसा वैज्ञानिकों का तर्क है। गायों से निकली अमोनिया सीधे तो पर्यावरण पर बुरा असर नहीं डालती, लेकिन जब ये धरती से मिल जाती है तो नुकसानदायक साबित होती है। जब ऐसा होता है तो उसमें मौजूद अमोनिया मिट्टी के साथ मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है। ये ग्रीन हाउस गैस होती है, इसकी वजह से धरती और पानी भी दूषित हो जाता है। 13 सितंबर को जर्नल करंट बायोलॉजी में प्रकाशित एक स्टडी के लेखक जैन लैंगबाइन कहते हैं, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जानवर अपना सुसु पॉटी कंट्रोल करने की क्षमता नहीं रखते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं जानवरों को पॉटी ट्रेनिंग दी जाए? जानवर काफी समझदार होते हैं और वो ये सब सीख सकते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि कैसे दी जा रही है ये ट्रेनिंग। जर्मनी और न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट मिलकर गायों और बछड़ों को पॉटी ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर चुके हैं। इस ट्रेनिंग का नाम भी रखा गया है, इसे कहते हैं मूलू ट्रेनिंग। अब इस ट्रेनिंग का सिस्टम भी आपको समझा देते हैं। बछड़ों को एक खास तरह के बाड़े में बंद करके उन्हें एक्सक्रीट करवाया जाता है। जब भी वो इस बाड़े के अंदर सुसु या पॉटी करते हैं तो इन नाम के तौर पर मीठा मिक्सचर या जौ दिया जाता है। इस स्टडी से जुड़े नील डिकर्सन ने CNN को बताया, जब बछड़े बाहर होते हैं और इनाम चाहते हैं तो इसके लिए बाड़े में जा सकते हैं, लेकिन जल्दी ही वो समझ गए कि इनाम सिर्फ सुसु करने पर ही उनको मिलता है। वैज्ञानिकों ने इस बारे में भी जुगाड़ लगाया कि बछड़े उसी बाड़े में जाकर ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट करें जिसे उनके लिए टॉयलेट के तौर पर लगाया गया है। उन्होंने बछड़ों को बाड़े के बाहर एक्सक्रीट करने पर सजा देने का सिस्टम भी बनाया है। उन्हें कोई हिंसक सजा नहीं दी जाती, बस एक ईयरफोन लगाकर अरुचिकर संगीत उन्हें सुनाया जाता है। ये सिस्टम कुछ दिन सही चला, हालांकि फिर इसने भी काम करना बंद कर दिया। फिर काम में आया देसी तरीका। गायों का सबसे ज्यादा मूड पानी डालने पर होता है। वैज्ञानिकों ने बात ना मानने पर बछड़ों के ऊपर एक डब्बा पानी डालना शुरू कर दिया और ये तरीका काम कर रहा है। बछड़ों को हर रोज 45 मिनट ट्रेनिंग दी जाती है। कमाल की बात यह कि 10 दिनों की ट्रेनिंग में कुल 16 में से 11 बछड़े पास हो गए हैं, मतलब 11 ऐसे बछड़े हैं जो सुसु और पॉटी आने पर तय जगह पर जाकर निस्तारण करते हैं। फिलहाल इस रिजल्ट के आधार पर वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि बछड़ों की ये ट्रेनिंग परफॉर्मेंस बच्चों को दी गई पॉटी ट्रेनिंग जितनी ही कारगर है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक बड़ी उम्मीद बांध ली है। स्टडी टीम का हिस्सा लैंगबाइन कहते हैं कि बछड़ों की ये ट्रेनिंग से मिले नतीजों के आधार पर कहा जा सकता है कि कुछ सालों में सभी गायें टॉयलेट जाया करेंगी। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अमित ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।